अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने गला तैयार किया है जिसके गोल गले में हमने लूप्स और पोटली बटन लगाए हैं और ऊपर इसका बॉर्डर लगाया है, ठीक है। और इसके साइड में हमने दो कट दिए हैं, एक इस साइड पे और एक इसकी दूसरी साइड पे भी, इस पर भी हमने बॉर्डर लगा दिए। चलें शुरू करते हैं, गला हमने किस तरह तैयार किया है। अब ये देखें, हमने दो बुकरम लिए हुए हैं, ठीक है। दो गले हमने काटने हैं, ये मैंने डबल की हुई बुकरम और दूसरी वाली भी इसी तरह मैंने डबल की हुई है। पहले हम इसकी काट लेते हैं, इसका गला काटते हैं। देख, गले का फैलाव जो हमें रखना है वो रखना है 7.5 इंच, तो 4.25 इंच पे हम इसका निशान लगा लेते हैं। और इसका डीप गला हमने रखना है, देखिए यहां से सीधा जो है ना, हम इसे 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। साइज के हिसाब से हमारा जो है ना, ये लार्ज साइज है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इसका निशान लगा रहे हैं। अगर आपका स्मॉल साइज है या मीडियम साइज है, आप उसी हिसाब से इसका जो है ना कम निशान लगाएंगे। तो इसे हम यहाँ पे इस तरह शेप दे देते हैं, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने एक गले की कटिंग कर ली, ठीक है। अब इसके दूसरे गले की कटिंग करनी है हमने। अब इस पर हम निशान लगाते हैं गले के। अब देखें, इस पे जो हमने निशान लगाया था, यहाँ पे फैलाव का इसका 4.25 इंच पे निशान लगाया था, ठीक है। लेकिन इस पे जो है ना, हम इसका 1.25 इंच बढ़ा देंगे, 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहां से हम इसे डीप लगा देंगे तकरीबन 8 इंच पे। अब यहां पे भी इसी तरह हम 4.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। यह हमारा तकरीबन 7.25 इंच है, ठीक है। तो यहां पे भी इसी तरह 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इसे हम निशान को सीधा कर लेंगे। निशान को हमने सीधा कर लिया, यहां पे इसका शेप दे देंगे गुलाई का। ठीक है, अब देखिए यहां ऊपर की साइड पे हम तकरीबन 1.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना, हमने इसको नापना है, 5 इंच पे इसका एक और निशान लगा लेंगे, इस जगह जहां गुलाई आ रही है हमारे गले की, ठीक है। इस तरह से, ठीक है, ये 5 इंच का हमारा जो है ना गैप आ गया बीच में। अब इसे जो है ना, हम यहां से इस निशान को इस तरह पकड़ लेंगे और इस निशान को भी इस तरह से। अब ये देखें, बीच में हमारा एक गैप आया है, तो इसी पे हम कटिंग करेंगे इसको। यहां से हम ज्यादा चौड़ा नहीं काटेंगे, ठीक है, कम दबाव लेके काटेंगे इसे यहां से। ये हमने कटिंग कर ली है, अब इन्हें कपड़े पे चिपका लेंगे हम। अब ये देखें, मैंने गोल गला चिपका लिया इस पे कपड़े पे, ठीक है। इसके साइड का कपड़ा भी मैंने मोड़ के प्रेस कर लिया और इसे भी मैंने कपड़े पे चिपका लिया, ठीक है। अब पहले हमने गोल गला तैयार करना है, इसे हम हटा लेते हैं। ये हमारे पास लूप्स लूप्स डोरी हमने पलटी थी, इसी हमने कटिंग कर ली है, ठीक है। और ये हमारे पास पोटली बटन है, इसी कपड़े के जो ना प्रिंट के हमने पोटली बटन तैयार किए हैं, ठीक है। अब इसे इस साइड पे ना, ये बुकरम इस साइड पे नहीं, इसकी दूसरी साइड पे, यहाँ पे हमने जो है ना पोटली बटन और इसके लूप्स लगाने हैं, ठीक है। आप भले इस पे निशान लगा लें, इस तरह जो है ना आप इसे हाथ लगाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा बुकरम आपकी कहाँ पे है। तो इसे इस तरह से पहले निशान लगा लें ताकि आपको ईजीली जो है ना ये लग जाए। ठीक है, अभी से हम एक जो है ना लूप्स लगा लेंगे यहाँ पे और एक पोटली बटन, ये इस तरह से पोटली बटन लगा लेंगे, ठीक है। पूरे गले में इसी तरह लगाएंगे। अच्छा, ये जो लूप्स डोरी है और ये पोटली बटन है, ठीक है, इन दोनों का तरीका मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब पहले हम एक लूप्स लगाएंगे, उसके बाद एक पोटली बटन। लूप्स का सीधा साइड ना ऊपर रखेंगे, ये जो सिलाई वाला साइड है नीचे रखेंगे। अब ये मैंने गोल गले में पोटली बटन और लूप्स लगा लिए, ठीक है।
अब ये दूसरी सिलाई भी मैंने इसकी लगा ली, क्योंकि हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था ना ज्यादा, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक और सिलाई लगा ली, बाकी दबाव हमने इसका काट दिया। वो इसलिए दूसरी सिलाई हमने लगाई, जब इसे हम फ्रंट पे लगाएंगे ना तो उसका दबाव अंदर की साइड पे आ जाता है हमारी सिलाई में, ठीक है, इसलिए मैंने दूसरी सिलाई भी इसकी लगा ली। अब इस पर हम फ्रंट इसे हम फ्रंट पे लगा लेंगे। इसे हम यहाँ पे इस तरह रख लेंगे। इसे हम सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए पोटली बटन जो है ना मोटे होते हैं, हमने ये लबकी सिलाई लगाई है ना, इसकी सिलाई लगाई है ना हाफ बूट से। अब इसे हमें यूं चेक करना है कि हमारे जो है ना पोटली बटन सही बैठे हैं या नहीं बैठे, मतलब जगह पे इसकी सिलाई लगी है या नहीं, ठीक है। तो इसे हम चेक कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए हमारे जो है ना बिल्कुल किनारे में इसकी सिलाई नहीं लगी तकरीबन। अब इससे जो है ना हम यहाँ पे इस तरह जो है ना इस तरह सीधा करके यहाँ पे एक और सिलाई लगाएंगे ना तो बिल्कुल किनारे पे लग जाएगी इसकी सिलाई। अब ये मैंने सिलाई लगा ली, ठीक है, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसे कट लगा लेते हैं, इसे इस तरह पलट के इसे प्रेस कर लेंगे, प्रेस करने के बाद इसे तुरपाई कर देंगे। अब ये देखें मैंने प्रेस करके इसे तुरपाई कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो है ना खड़े कपड़े पे नहीं है, आड़े कपड़े पे, इसमें लचेगे, ठीक है, ये घूम सकता है आराम से। तो इसे जो है ना हम यहाँ पे गले पे इस तरह रख के इसे यहाँ पे इस तरह लगाएंगे, ठीक है। कुछ लोग जो है ना ऐसे भी लगाते हैं कि गोल गला सादा पलट के ना इस पट्टी के नीचे जो है ना इस तरह से इस तरह रखते हुए जो है ना इस तरह लगा देते हैं, लेकिन हमारे जो है ना पोटली बटन है तो इसमें हमें बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है, फिनिशिंग भी नहीं आती उसमें, ठीक है, इसलिए हमने पोटली बटन पहले गोल गले में लगा लिया, ऊपर से हम इसकी पट्टी लगा लेंगे इस तरह से। अब ये मैंने सिलाई लगा ली, ठीक है, अब इस साइड से भी हम इसे इस तरह मोड़ के ये सिलाई लगा लेंगे। अभी हमने पूरी जो है ना सिलाई लगा ली इसे, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे, यहाँ पे हमने इतना गैप रखना है कि ये जो बॉर्डर है ना हमारे इस जगह पे पूरा आ जाए, इसके ऊपर ना चढ़े, ठीक है। ये इस तरह से हम सेट कर लेंगे, इसे पिन लगा लेते हैं, साइड पे भी इसी तरह हम पिन सेट कर लेंगे इसे। अब यहाँ से आपने गैप देखना है इसका, ये कितना गैप है हमारा, यहाँ से ये तकरीबन 2.75 इंच है, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह हमारा 2.75 इंच आना चाहिए, कम ना हो, ये 2.75 इंच आ गया, तो इसे भी हम यहाँ पे इस तरह जो है ना पिन लगा लेंगे। अब इसे हम सिलाई लगा लेंगे। इसे प्रेस कर लेंगे, दूसरा साइड भी इसी तरह हम सिलाई लगा के इसे पलट लेंगे। अब ये देखिए मैंने प्रेस करके ना इसे पलट के प्रेस कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारा ये बॉर्डर लगेगा, पहले हमारा इस साइड पे लगेगा ये बॉर्डर, इस साइड पे हम इसे इस तरह से बॉर्डर लगा लेंगे, फिर बाद में हम इसे इसकी दूसरी साइड पे बॉर्डर लगाएंगे। अभी यहाँ पे हम ये कट के बराबर नहीं कटिंग करेंगे, ठीक है, इसका दूसरा बॉर्डर हम इस तरह से रख के चेक कर लेते हैं, ये इस तरह से हमारा आएगा, तो हमें इसी हिसाब से बॉर्डर कटिंग करना है। अब यहाँ से हम इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ये देखिए मैंने किस तरह से कटिंग किया, ताकि हमारा बॉर्डर इसके ऊपर आए तो ये कच्चा जो है ना इसके नीचे दब जाए। इसकी दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब इसकी दूसरी साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हम इसे बॉर्डर लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारी जो ना वेस्ट वाली जगह पे बॉर्डर इस तरह से आएगा, हम ज्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमारे पास बॉर्डर जो है ना ज्यादा बड़ा नहीं है, ताकि हमारा बॉर्डर कम ना हो, तो ये वैसे भी यहाँ पे सिलाई लग जाएगी फिटिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह रख लेते हैं और ये यहाँ पे जो ना इस तरह से घूम जाएगा, ये देखें इसका कच्चा जो है ना इस बॉर्डर के नीचे आ गया, तो यहाँ पे इसे इस तरह से लगा लेंगे सिलाई। अब ये देखें मैंने एक साइड की सिलाई लगा ली इसी, ठीक है। अब इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह हम सेट करके सिलाई लगा लेंगे।
अब ये देखे मैंने दूसरी सिलाई भी इसकी लगा ली, ठीक है। अब इसकी दूसरी साइड पे भी हमने लगाना है, वो हमने किस तरह लगाना है, आपने जो है ना इस तरह सेट करना है इसको, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हर जगह से सेट हो। उसके बाद आपने प्रेस कर लेनी है यहाँ पे, जब प्रेस करेंगे ना तो यहाँ पे आपकी निशान आ जाएगा, तो उसी जगह पे आप फिर जो है उसकी दूसरी साइड पे भी लगा लें ताकि बिल्कुल एक जैसा जो है ना इसका शेप आए। अब ये देखिए दूसरी साइड की पट्टी भी मैंने लगा ली, ये गला तैयार हो गया।